लीला क्या है? मटकी फोड़ने का आध्यात्मिक अर्थ है आप भगवान सबकी मटकी फोड़ते हैं। मटकी माने ये शरीर, और जब मटकी फोड़ते हैं और जिसका शुद्ध मक्खन होता है उसको भगवान खाते हैं, और जिसका शुद्ध नहीं होता है इसको अवॉइड कर देते हैं। हमारा आपका शरीर भी मटकी है, इसके अंदर कर्मों का माखन भरा हुआ है। जिसके शुद्ध कर्म होते हैं उसके जीवन में बिहारी जी उसको अपना बना लेते हैं, और जिनके कर्म शुद्ध नहीं है, जिनके लक्षण शुद्ध नहीं है, वो चाह कर भी बिहारी जी की सेवा में समर्पित नहीं हो पाते। जीवन में याद रखो, कर्म सदैव अच्छे करो, क्योंकि भगवान एक न एक दिन जरूर चेक करेगा। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सभी का खाता। लेकिन वारे इंसान, आज मानव तो छोड़ो, इंसान जानवर बना फिर रहा है। एक शास्त्र में वर्णन आया कि आजकल का मानव चार प्रकार के जानवर के जैसा हो गया है। कौन कौन? पहला तो कुत्ता, दूसरा गधा, तीसरा सुअर, और चौथा ऊंट। कुत्ता कब मानव बन जाता है? कुत्ते की सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? आप एक रोटी डालो, दो कुत्ते हो, दो टुकड़े डालो एक एक को, पहला वाला कुत्ता अपनी रोटी छोड़ के दूसरे की रोटी पर भागेगा। आज का मानव भी तो ऐसा हो गया है, अपना खुद स्वयं नहीं कमा रहा है पर दूसरे का हक छीन कर खाने की कोशिश कर रहा है। आज संसार में व्यक्ति इसलिए नहीं दुखी है कि उनके जीवन में क्या दुख है, आज का इंसान इसलिए दुखी है कि पड़ोसी कितना सुखी हो रहा है। आज हम दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं। दूसरा इंसान क्या बना है? सुअर बना फिर रहा है। जैसे गांव का सुअर होता ना, सब खाता जाता है कुछ भी मिले, इंसान भी तो ऐसा ही हो गया है। कुछ भी खा रहा है, कैसी भी प्रवृत्ति जी रहा है। तीसरा इंसान ऊंट की तरह अभिमानी हो गया है, गर्दन झुकती नहीं है, मंदिरों में भी झुकती नहीं। अब तो कथा स्थल पे बोले, अरे हम तो इनसे ज्यादा बड़े ज्ञाता हैं, हमें तो पूरी भागवत आती है, सब आता है, कौन सुने। ऊंट की तरह घमंडी हो गया है। तीसरा इंसान क्या बन गया है? पहला गधा बन रहा है। गधा कैसा? गधे की क्वालिटी, वो जीवन भर ढोता ही रहता है। और जीवन भर गधा ढोता है, उसके बाद भी आज तक गधे को कोई अवार्ड मिला क्या? कोई अवार्ड मिला क्या? इंसान भी तो यही कर रहा है, जीवन भर ढो रहा है। 30 का हुआ तब ढोया, 40 का बच्चों के लिए, 50 का ये टेंशन, 60 पे ये टेंशन, 80 पे ये टेंशन। मरने के टाइम पे इंसान सोचता है कि कुछ ना कुछ बन जाए, कोई फैक्ट्री खुल जाए, कोई दुकान खुल जाए। जिंदगी भर ढो रहा है, किसके लिए? अपने बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। जीवन में एक बात याद रखो, बच्चों को धन संपत्ति भले कमा के मत देना, उनको संस्कारी बना दो, उनको सुंदर बना दो, धन संपत्ति तो अपने आप बन जाएगी। आजकल माँ चाहती मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एक्टर बन जाए। नहीं नहीं, डॉक्टर इंजीनियर एक्टर भले न भले, बच्चे का करेक्टर सही कर देना, एक्टर से बेहतर बन जाएगा। संस्कारवान बनाओ, धर्मवान बनाओ, पर इंसान मानव नहीं अपितु अब दानव हो रहा है। मटकी आपकी भी फूटेगी एक दिन, चिंता मत करो, ठाकुर जी फोड़ेंगे, लेकिन आपके अंदर मीरा जैसा प्रेम होगा, राधा जैसा प्रेम होगा, ललिता जैसा प्रेम होगा, तो आपकी मटकी का भी माखन खाएंगे, और नहीं होगा तो भगवान आपकी मटकी को स्पर्श तक नहीं करेंगे। अपने आप को सुंदर बनाओ।